हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है बीपीएससी और बीपीएससी का सिलेबस क्या है, इसमें हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़ने हैं, बहुत कम बुक्स पढ़कर हम कैसे बीपीएससी को क्लियर कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में पढ़ने हैं। और आज ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो घर बैठे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले उसके सिलेबस की संपूर्ण जानकारी, हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जिसमें सिलेबस का जो चर्चा किए हैं ये बीपीएससी के वेबसाइट से लिया गया है। बीपीएससी के वेबसाइट के पीडीएफ से हम इस सिलेबस को लिए हैं, लेकिन उस पीडीएफ में क्या है, बहुत ही लेंथी तरीके से सिलेबस को दिया है। तो बहुत ही सरल शब्दों में सिलेबस आप लोगों के सामने बताया रहा हूं और उसमें कौन से बुक्स पढ़ने, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही बहुत गहरी बात कही है दोस्तों, कि जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। तो अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है या फिर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी किसी भी बड़े एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आपको अपने में विश्वास रखना है, सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि नहीं मैं ये एग्जाम को क्लियर कर जाऊंगा। जब आप विश्वास कर जाएंगे तो आपका 50% जो चांस है वो ऐसे ही पूरा हो जाएगा उसमें बीपीएससी को क्लियर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसके पैटर्न किस तरह के हैं, कैसा एग्जाम होता है, कितने मार्क्स आते हैं, तो हर कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बीपीएससी में तीन पार्ट में एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम तीन पार्ट में होता है। पार्ट वन पीटी होता है, पार्ट वन में पीटी होता है यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम या फिर उसे प्रारंभिक परीक्षा आप बोल सकते हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। आप अगर पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में बैठने के एलिजिबल होते हैं। तो मेंस में दो पेपर होता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, कौन से बुक्स पढ़ने वाले हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले पीटी देखेंगे, पीटी को क्लियर करने के बाद ही आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो अभी पीटी होने में लगभग 3 महीने का टाइम आपके पास है, तो पीटी को पूरे अच्छे से देखिए, जिससे कि पीटी निकलने के बाद आप मेंस के प्रिपरेशन करें और मेंस के कुछ पार्ट को आप पीटी के प्रिपरेशन के दरमियान भी आप कर सकते हैं। बाद में होता है पार्ट थ्री में इंटरव्यू और ये होता है 120 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 120 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो बाद की बात है, लेकिन आप पहले मेंस और पीटी के बारे में सोचेंगे। मेंस 900 अंक होता है, 900 अंकों का होता है, जिसमें तीन पार्ट होते हैं, तीन पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पहले देखते हैं हम लोग पीटी, क्योंकि पीटी को पास करेंगे तभी मेंस के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन आप पीटी के तैयारी के समय ही आप मेंस को भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएं, ताकि आप मेंस का जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बर्डन बहुत ज्यादा एक बार में ना हो जाए। तो पीटी में पूछा जाता है जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बिहार और इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ने हैं। ठीक है, आपको जो इकोनॉमी में, ठीक है, जब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस हुआ, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो बिहार का इकोनॉमी किस तरह से चेंज हुआ उसके बारे में आपको जानना है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जैसे कि 1857 के क्रांति हुआ, बिरसा आंदोलन, ये सब जो कुछ आंदोलन हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के लिए, उसमें बिहार की क्या भूमिका है उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी और में आपको 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। पीटी में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीटी में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, अगर आपको पीटी को क्वालिफाई करना है तो आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री जिसमें कि बिहार और इंडियन दोनों आ जाता है, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स और बिहार का स्पेसिफिक जनरल नॉलेज, इतना अगर आप अच्छे से कर जाते हैं, जनरल साइंस, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स और बिहार के स्पेसिफिक नॉलेज को, तो आप पीटी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड में जिस तरह से देखा गया है कि जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन, लगभग 30-25 से 30 क्वेश्चन,
हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन और बिहार स्पेसिफिक से 25 से 30 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इतना करेंगे तो आपका 120 लगभग क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो गया। बाद में बचा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। तो इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, किस तरह की बुक आप क्या करना है, आपको क्या करना है पीटी को पास करने के लिए, आप लुसेंट की बुक ले ले, ठीक है, लुसेंट या फिर क्राउन। लुसेंट या फिर क्राउन आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप या तो लुसेंट पढ़ सकते हैं या फिर क्राउन की बुक पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई बुक आप पढ़ सकते हैं। पूरा बुक पढ़ने के बाद आप साथ के साथ एक एनसीईआरटी सार संग्रह, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद इससे क्या करेंगे, आप चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो आपका ये पीटी का सिलेबस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जनरल साइंस में अगर आपको पढ़ना है तो लुसेंट के ही एक जनरल साइंस वाली बुक आती है, लुसेंट का ही जनरल साइंस वाली बुक आती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के आता है। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम वाली, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाली बुक ले ले और उसको पूरा पढ़ जाए। अगर आप ये पूरे बुक्स लिस्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लुसेंट या फिर क्राउन, एनसीईआरटी सार संग्रह और एक बिहार स्पेसिफिक जनरल नॉलेज का बुक ले ले। बिहार स्पेसिफिक जनरल नॉलेज का बुक जो आप लेंगे तो इसके कुछ बुक्स, जैसे कि आप क्या ले सकते हैं बिहार जीके के लिए, आप क्राउन का बुक ले सकते हैं, ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है, केबीसी नैनो और इम्तियाज अहमद, इन तीनों में से आप कोई भी बुक लेकर पढ़ लें। आपको जिसका लैंग्वेज अच्छा लगे, जिसका आपको लैंग्वेज अच्छा लगता है, जिसको आप पढ़ने में जिसकी आसानी होती है वो आप ले लें। अगर हमसे पूछे तो आप क्राउन लेकर इसको पढ़ें, ठीक है, क्राउन की बुक लेकर इसको पढ़े, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, पूरे सिस्टमेटिक वे में इसको बताया गया है। तो क्राउन का एक सब्जेक्टिव बिहार जीके ले ले और इसको पूरा पढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव बुक इम्तियाज अहमद की आती है बिहार जीके का, उसको लेकर एक बार उस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा ले, तो इससे आप पीटी को पास कर जाएंगे, ठीक है, पीटी को आप पास कर जाएंगे। करेंट अफेयर्स के सेक्शन में हम पीटी और मेंस दोनों के लिए आगे बात करेंगे, करेंट अफेयर्स के सेक्शन में पीटी और मेंस दोनों में बात करने वाले हैं, तो आप पैनिक मत होइए। आपको क्या करना है, लुसेंट का बुक या फिर क्राउन, एनसीईआरटी सार संग्रह, लुसेंट का जनरल साइंस और बिहार के लिए क्राउन, केबीसी या फिर इम्तियाज अहमद की बुक लेकर आप तैयारी करें। अगर आपको हमारे चैनल पर आप बने रहते हैं तो अगर आप सपोर्ट करते रहते हैं तो लुसेंट का पूरा कंप्लीट लुसेंट आप लोगों के लिए चैनल पर अब अपलोड कराया जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझाकर। आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको पीटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सबकी तैयारी इस 3 महीनों में कराई जाएगी। और मेंस के लिए जो स्पेक्ट्रम या फिर अगर आगे बात करेंगे तो अभी पहले पीटी के लिए देखते हैं। देखिए करेंट अफेयर्स मेंस और पीटी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। मैंने बताया कि पीटी में आपका 30 क्वेश्चन लगभग पूछने लगा है बीपीएससी, ठीक है, तो आप पीटी में करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और मेंस में तो कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी से करंट अफेयर्स का तैयारी पुख्ता करना है, करंट अफेयर्स का तैयारी आपको अभी से पुख्ता करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मंथली मैगजीन कोई भी, जो भी मंथली मैगजीन आपको अच्छी लगती है आप उसका ले सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण बहुत दिनों से चली आ रही है तो सब कोई इसको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो आप भी प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन ले, एक वार्षिकांक आप जरूर ले, ठीक है, एक मंथली इसको पढ़ें और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको एक कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है, नोट डाउन करने का आदत अभी से लगा ले, क्योंकि आंसर राइटिंग करने में आपको इससे आसानी होगी। उसके बाद एक वार्षिकांक ले, किसी का भी आप वार्षिकांक ले सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा परीक्षा मंथन का, ठीक है, परीक्षा मंथन का लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 और लक्ष्य 4 इस तरह से एडिशन आता है। अभी जो रिसेंट में आया हुआ है लक्ष्य 3, आप इसको लेकर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ ले। अगर मेरे चैनल पर भी परीक्षा मंथन का हर एक टॉपिक का एक जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं उसका वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप लोगों को बहुत अच्छे से आसान शब्दों में समझाकर आप लोगों के लिए लाया जाएगा, आप हमारे चैनल पर बने रहें। आप करेंट अफेयर्स टुडे दृष्टि का करेंट अफेयर्स टुडे भी ले सकते हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण मासिक ले सकते हैं और डेली करेंट अफेयर्स आप क्या कर सकते हैं, किसी भी YouTube चैनल पर,
किसी भी YouTube चैनल से आप तैयार कर सकते हैं डेली करेंट अफेयर्स, ठीक है। और हमारे चैनल पर भी स्टडी टिप्स प्रीतम सर आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पर भी डेली करेंट अफेयर्स क्या डाला जाता है, अपलोड किया जाता है, इतने आपके लिए काफ़ी होगा। आप वहां से डेली करेंट अफेयर्स देख सकते हैं और इस तरह से आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया पीटी से रिलेटेड बात। मेंस के लिए भी आप यही बुक लिस्ट फॉलो करेंगे, मेंस के लिए भी आपको यही बुक लिस्ट फॉलो करना है। न्यूज़पेपर पढ़ने का अगर आपको आदत है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट है जैसे दृष्टि है, विजन है, तो डेली क्या करता है वो अपने वेबसाइट पर एक अच्छे मतलब सिस्टमेटिक ढंग से एक कलेक्शन आप लोगों के लिए लाता है, एडिटोरियल का लाता है, हर कुछ लाता है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए वो भी मैं अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। चलिए अब देखते हैं मेंस में क्या होता है। तो मुख्य परीक्षा में GS1 और GS2 होता है, यानी कि समान अध्ययन पेपर 1, समान अध्ययन पेपर 2। इससे पहले आपको एक सब्जेक्ट देना होता है जिसका नाम है सामान्य हिंदी। ये क्वालिफाइंग मार्क्स, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि ये 100 मार्क्स का सामान्य हिंदी आप क्या करेंगे, 100 मार्क्स का ये जो सामान्य हिंदी है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर आप GS1 और GS2 क्या कितना भी अच्छा आप इसमें लिख ले, जब तक इसको आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी कॉपी इसमें जांच नहीं होगी। तो सामान्य हिंदी के लिए आपको पैनिक नहीं होना है, बहुत आसान है। आपको 30% मार्क्स यहां से लाने हैं, 100 में से 30 लाने हैं, आप ला लेंगे तो अगर आप PT पास कर जाते हैं उसके बाद भी अगर सामान्य हिंदी की तैयारी करते हैं तो आप आसानी से इसको एक घंटा या 2 घंटा करके डेली अगर पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। जिसमें कि आपको पूछा जाएगा निबंध 30 मार्क्स का, अंक व्याकरण आपको पूछा जाएगा 30 मार्क्स, वाक्य विन्यास 25 मार्क्स और संक्षेपण पूछा जाएगा 15 अंक का। तो व्याकरण बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ नहीं पूछा जाता है, सेकेंडरी स्तर मतलब 10+2 लेवल तक का हिंदी इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है, आपको यहाँ से 30% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेन्स का पेपर 1, ठीक है, GS1 जनरल स्टडीज 1 GS1 जिसको कहा जाता है। इसमें जो पूछा जाता है 3 सेक्शन इसमें पूछा जाता है, 1 सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो आपको इसमें से जवाब देना होता है 8 क्वेश्चन का, ठीक है, 8 क्वेश्चन का इसमें आपको जवाब देने होते हैं, 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारत का मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय संस्कृति यानी कि कला वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वहीं दूसरे सेक्शन में आपको करेंट अफेयर्स का ब्रॉड नॉलेज आपसे चेक किया जाएगा, करेंट अफेयर्स का ब्रॉड नॉलेज चेक किया जाएगा, यानी कि राष्ट्र में, हमारे देश में और विश्व में, या फिर यूं कहें कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, उस पर आपको क्या कर प्रकाश डालने को कहेगा, आपको उसके बारे में लिखने को कहेगा। फिर उसके बाद पार्ट 3 में मैथ का एक सेक्शन होता है जिसमें कि डाटा इंटरप्रिटेशन से सवाल पूछे जाते हैं, सांख्यिकी से सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए भी आपको पैनिक नहीं होना है, इसके लिए भी आपको बुक्स बताए जाएंगे, आप वहां से उतना अगर कर लेते हैं तो आप यहां से क्वालिफाई ही नहीं बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स आप यहां से गेन करेंगे। तो पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, तो ये जो भारत का आधुनिक इतिहास यहां पर डिटेल में दिया गया है कि भारत, आधुनिक भारत में बिहार के संदर्भ में यानी कि बिहार से रिलेटेड करके आपको पढ़ना है, जिसमें कि जो आपको बताएगा आधुनिक इतिहास में क्या क्या हुआ, तो इसके लिए आपको बताएंगे कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं। जिसमें इसमें एक पूछा जाता है गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद बिहार की जो भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि संथाल विद्रोह, 1857 की क्रांति में बिहार का क्या भूमिका रहा, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये सबसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो संस्कृति में मौर्य काल का जो कला था, पाल कला, पटना कलम, चित्रकला की मुख्य विशेषताओं का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर उसके बाद DI पूछा जाएगा यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसके लिए कौन से आपको बुक्स लेने हैं, बस इतने बुक्स आपको पढ़ने हैं, आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक लेनी है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप अगर जाकर देखेंगे तो इस तरह से काला कवर पेज का एक बुक होगा, स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर जी ने इसे लिखा है, या तो आप स्पेक्ट्रम ले ले या फिर विपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास ले ले। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम वाली बुक ले ले, ठीक है, ये ले ले। आप इसको पूरा अभी से ही आधुनिक भारत के इतिहास को
ये दो दो तीन तीन चार चार पेज करके अभी से इसको पढ़े, समझ में नहीं आता है फिर भी पढ़े, दो बार तीन बार चार बार इसको पढ़े और आंसर राइटिंग अभी क्या करना है आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद गांधी नेहरू टैगोर क्या से रिलेटेड एक एक क्या होता है स्पेसिफिक बुक आता है स्पेक्ट्रम की, इसको भी लेकर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बिहार बिहार स्पेसिफिक जनरल नॉलेज के लिए आप क्राउन की बुक ले सकते हैं, इम्तियाज अहमद या फिर केबीसी नैनू, मैं बताऊंगा क्राउन ले लें, ठीक है। अगर हमसे पूछेंगे तो आप क्राउन लेकर पढ़ें, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर स्टैटिस्टिक्स जो कि डीआई है इसके क्वेश्चन आपको बनाने हैं तो आपको कौन सा बुक प्रेफर करना है, ठीक है। इसमें आपको 72 मार्क्स का पूछा जाता है, 72 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप डीआई अच्छे से कर लेते हैं तो ये पूरे के पूरे मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो डीआई के लिए आप एनसीईआरटी का इलेवेंथ क्लास का एनसीईआरटी का एक बुक आता है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, यानी कि इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमी, ठीक है। इस बुक को आप पूरा पढ़ जाएंगे, ठीक है, इस बुक को पूरा कर लेंगे, एक एक करके इसका क्वेश्चन बना लेंगे। या फिर आर एस अग्रवाल एक मैथमेटिक्स का बुक होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं जैसे SSC रेलवे ये सब का जो तैयारी करते हैं उसके पास बुक्स होता है, उनके लिए स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होता है क्योंकि वो बनाते रहते हैं। तो आर एस अग्रवाल बुक से आप क्या करेंगे डीआई वाले पार्ट को बना ले, या फिर किसी भी मैथमेटिक्स जो कि SSC वाले पढ़ते हैं किसी भी मैथमेटिक्स को बुक लेकर आप डीआई को सॉल्व अभी से करना स्टार्ट कर दे, बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये पूरा मार्क्स गेन हो जाएगा, ठीक है। 72 मार्क्स 114 मार्क्स का पूछा जाता है करंट अफेयर्स, जिसके लिए आपको क्या करना है मैंने पहले ही बता दिया है, और 114 मार्क्स का हिस्ट्री से पूछा जाता है, हिस्ट्री और भारतीय संस्कृति से पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ये भी हमने आपको बता दिया। अब देखिए इस जीएस पेपर टू में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, सेक्शन टू में। और सेक्शन थर्ड में पूछा जाता है भारत के विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका और उसका प्रभाव, ठीक है, तो ये आपको पता करने हैं, इसके बारे में पूछा जाता है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था से जो पूछे जाते हैं आपको क्या करना है, जो बुक आपको प्रेफर करना है आप एम लक्ष्मीकांत को ले लेंगे, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत ये बुक के अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, इस बुक के अलावा एम लक्ष्मीकांत साहब के बुक के अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, आप एक बार इस बुक को ले और इसको पढ़ें, ठीक है। उसके बाद एक बार दो बार तीन बार पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर राइटिंग करने का भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो एम लक्ष्मीकांत का बुक लेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको लेकर आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर राइटिंग करने का अभी से प्रैक्टिस करना आपको स्टार्ट करना होगा, ठीक है। और करेंट से मतलब करेंट में क्या चल रहा है पॉलिटी से रिलेटेड उसके नोट्स आपको डेली बेसिस पर हमने बताया कि अलग अलग वेबसाइट पर उसके डाल दिए जाते हैं वो भी देखेंगे, और मंथली मैगजीन से भी आप कर सकते हैं, और एक आपको वार्षिकांक लेना है वहां से भी पॉलिटी के सेक्शन से नोट्स बनाना है अभी से, ये नोट्स आपको बहुत काम देगा आगे चलकर, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए आप महेश बर्नवाल जी की भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप माजिद हुसैन का बुक भूगोल के लिए पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन साहब का बुक आप भूगोल के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, या फिर एक बुक आती है लाल एंड लाल की, उसके बुक्स को लेकर आप पढ़ें, ठीक है। लेकिन आप सोचते होंगे कि इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से जो एक सेक्शन में पूछा जाता है इससे मात्र चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों से मिलाकर जो सेकंड सेक्शन होता है जीएस पेपर में टू में चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीन क्वेश्चन इसमें आपको लिखना होता है चार क्वेश्चन में, ठीक है, तो इन तीन क्वेश्चन के लिए क्या इतना पढ़ना होगा, तो ऐसा नहीं है, आपको कंबाइंड चैप्टर पढ़ना है, मेनली उसी से सवाल पूछे जाते हैं, कंबाइंड चैप्टर पढ़ना है किससे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो कंबाइंड चैप्टर है उसको आपको पढ़ने हैं, कैसे तो मैं बताता हूँ कि देखिए ज्योग्राफी में भी क्या होता है कि एग्रीकल्चर होता है और इकोनॉमिक्स में भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उद्योग इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योग के बारे में आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, जनसंख्या से रिलेटेड इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ना है, तो इन सब जैसे टॉपिक्स को आपको हॉट टॉपिक बोलना है और इसको
क्या करना है, कंबाइंड करके इसको पढ़ना है, ठीक है। आपको इन बुक्स को लेकर इसे क्या करना है, अभी से थोड़ा 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 करके पढ़ें, या फिर पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करें फिर आप इसे देखिएगा। फिर उसके बाद जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आप अभी से करेंट से रिलेटेड, करेंट से रिलेटेड भी आपको नोट्स बनाते चलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या एडवांसमेंट, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके नोट्स बनाते चलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक बुक है बीपीएससी वाला मुख्य परीक्षा केबीसी नैनो का, ठीक है, केबीसी नैनो का ये बुक है। आप इसको लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस में किस तरह के पूछे गए हैं पूरे डिटेल्ड में इसमें दिया गया है, आप उसको देखकर क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करने का अभी से प्रैक्टिस करेंगे, देखकर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। पहले पीटी की तैयारी करेंगे, उसके बाद बीच बीच में आपको मेंस के लिए, आपको जैसे पहले बताया हिस्ट्री वगैरह को देखते चलना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक बुक आती है रवि पी अग्रहरी की, ठीक है, रवि पी अग्रहरी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये बुक रवि पी अग्रहरी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। आप अगर जिस मीडियम से हैं उसे लेकर आप इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर कर सकते हैं। तो ये पूरी बुक लिस्ट थी मेंस के लिए। आप इतने बुक अगर करते हैं कवर तो आप मेंस आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। बस आपको क्या करना है, विश्वास करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे मैं क्या आंसर राइटिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं। आंसर राइटिंग अभी से करने का धीरे धीरे कोशिश करना है, एक आंसर को देख के ही लिखे, लेकिन आप धीरे धीरे करके आंसर लिखना स्टार्ट करें। करेंट अफेयर्स वाले, करेंट अफेयर्स के सेक्शन में क्या करना है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, तो हाँ उसे भी देखें, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के करेंट पूछे गए हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, आगे कैसा पूछा जाएगा इसका अनुमान आप उसे देखकर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखकर लगा सकते हैं उसमें किस तरह के आंसर दिए गए हैं, उसको आंसर लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर आप अपने आंसर को लिख कर पोस्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आंसर लिख रहे हैं। तो पीटी के लिए आपको लुसेंट या फिर क्राउन पढ़ना है, और उसके बाद उसमें बिहार के लिए तो जो मैंने बताया वो करना है, करेंट अफेयर्स के लिए डेली करेंट अफेयर्स, मंथली, और एक वार्षिकांक लेना है। इतना करें आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपको विश्वास भी करना होगा। फिर होता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है। 34 सब्जेक्ट्स है जिसमें कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है, तो वो आपको ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, जिसमें आपको पढ़ने में हो, आप आसानी से उसे पढ़ पाएँ, या फिर जिसका नोट्स आसानी से अवेलेबल हो, उस टाइप के ही ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप चूज करें। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जिस ऑनर्स से जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं आपको वही ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना, नहीं ऐसा नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑनर्स ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट है, कितने सब्जेक्ट पूछे मतलब ऑप्शनल हैं आपके लिए, आप इनमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करके उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ऑप्शनल तो बाद में होगा, लेकिन GS1 और GS2 का मैंने कंप्लीट बताया, कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बताया। आपको बुक्स पढ़ना है, वीडियो अगर देखना है तो हमारे चैनल पर आगे अभी पीटी की तैयारी कराई जाएगी, मेंस के लिए एक्सपेक्ट्रम भी पढ़ाया जाएगा, और साथ के साथ आपको बुक्स पढ़ने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, कुछ वीडियोज का सहारा लेकर आप समझेंगे और बुक से अपने नोट्स बनाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप करेंगे एक एक करके, उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, और हर एक करेंट से रिलेटेड इवेंट को एक नोट्स बनाएंगे, और अभी से इसका स्टार्ट आपको करना है। आपको कल से ही जो आप प्रतियोगिता दर्पण, उसके बाद वार्षिकांक ले और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दे, और डेली करंट अफेयर्स में किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप जाकर डेली करंट अफेयर्स अपडेट कर सकते हैं और एक कॉपी में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी करंट अफेयर्स डेली कराया जाता है, आप यहां से करंट अफेयर्स को आसानी से देखकर बहुत अच्छे शब्दों में आपको करंट अफेयर्स बताया जाता है, आप देखकर नोट डाउन करके अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। तो ये हो गया बात पूरा बीपीएससी के सिलेबस के बारे में, उसके पैटर्न, उसके बुक लिस्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि बीपीएससी से रिलेटेड, पीटी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। आप यहां से हमारे साथ बने रहें, पूरे 3 महीने में आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। आप इस वीडियो को लोगों को पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं जिसको कंफ्यूजन है सिलेबस के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में, तो उन तक पहुंचाएं ताकि उसको बहुत ही हेल्प मिले इससे। तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करने में आप व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।